तो हेलो गाइस, रेलवे स्टेशन की जय सभी। हमारा बुची जो है तो वही बात है, मैं सोच रहा यहाँ पे अभी सेफ्टी रहेगी, सेफ्टी रहेगी, मेरा उद्देश्य है। मैं अभी A few moments later. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज है सोमवार, सावन का तीसरा सोमवार, और आज मैं मंदिर जाने से पहले जा रहा हूँ माताधाम की ओर, क्योंकि वहाँ पे है माताधाम स्टेशन का बर्थडे। तो वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। राजा भैया का सुबह सुबह कॉल आया, बोल रहे हैं शुभम तुम जल्दी आ जाओ, सभी लोग भाई लोग आ गए, तो मैं भाई रेडी होके और मंदिर जाने से पहले वहाँ जा रहा हूँ। उसके बाद सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं मातृधाम, और यहाँ पे राजा हुए लोग अपनी सेना लेके खड़े हैं उधर। चलो पहले उनके पास चलते हैं यार, फिर बातें करेंगे, है ना। आज मातृधाम स्टेशन का बर्थडे है, तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मैं भी आ गया उनके साथ। वेलकम आदरण, अभी छिंदवाड़ा हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई अंकित भाई ने ये क्या कर दिया, मौलाना किसानों का हरियाली प्रतीक है ये। हाँ, किसानों का हरियाली प्रतीक है, मामा जी बता रहे हैं। वो हम सब लगाते हैं, किसान समिति का ये सिंबल है, सिंबल। हाँ हाँ, फिर तो बोलो हैप्पी बर्थडे ट्रेन। अच्छा, तुम कुछ बोलो। हैप्पी बर्थडे ट्रेन। अच्छा मामा जी, हैप्पी बर्थडे ट्रेन। सो हैप्पी बर्थडे ट्रेन नैनपुर छिंदवाड़ा सिवनी लोकल ट्रेन, है ना। सो हेलो गाइस, हाँ तो हेलो गाइस, आज ट्रेन का बर्थडे है। तो उम्मीद भाई केक कहाँ है? केक लेके आओ, केक लेके आओ। उम्मीद भाई की केक लेके आओ, केक ही लेके नहीं आए। आओ लेके आओ, केक लेके आओ। सर ट्रेन भाई तो कहाँ है? ट्रेन भाई की बर्थडे है, केक लेके आओ। अलग केक गाइस, केक तो गाइस ये देखिए गुरुजी आ चुके हैं, मेरे को दे देना है, और कावड़ लेके आए हैं। बम बम भोले, बम बम भोले। और अभी ट्रेन बस आने वाले हैं। नमस्ते, रेलवे स्टेशन की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, हर हर महादेव। सो गाइस, आप देख सकते हो आज दीदी का बर्थडे, और दीदी आज लेट हो चुकी है। शुक्र शुक्र, अरे भाई सुमित भाई, अलग ही कॉमेडी चल रही भाई की। तो लगता है दीदी की आवाज आ रही है, दीदी आ चुकी है, दीदी आ गई, दीदी आ गई। अरे कहना क्या चाहते हो? नमस्ते, नमस्ते भाई का नमस्ते अलग और चल रहा है। दीदी आ गई, दीदी आ गई। आज दीदी का बर्थडे है और दीदी थोड़ा लेट है। दीदी आ चुकी हैं, अभी इनकी पूजा पाठ होगी, इनका बर्थडे होगा, केक केक खिलाएंगे, बढ़िया केक कट करके। सुमित भाई केक ले आए। हाँ तो गाइस देखो, इंजन के वजह से मेरी आवाज थोड़ी कम आ सकती है, तो पहले फूल माला चढ़ा देते हैं यहाँ पर इस तरह से। ये तो गाइस अभी तो पूजा पाठ हो रही है। भाई, भाई राजा भैया भी है हमारे में, तेरे बाप को मत सिखा, चल इधर साइड पे देखते हैं। पूजा पाठ हो रही है, हो गई, राजा राजा ने कोड दिए, माला चढ़ा दिए, और अभी चलते हैं फोटो निकालने अभी, है ना। सो गाइस ये है इंजन चलाने वाले ड्राइवर, इंजीनियर, क्या बोलते हैं पायलट, क्या बोलते हैं,
आज की जय। ले तो जानती दादी आइए ना, ये पान खाने के लिए आइए सर। ये हमारे तरफ से रहता ही, हम हाथ धोल करते हो और आने वाले तो आ रहे हैं कि बड़ी जो पान ट्रेन चल रही है वो भी रोके तो हम उनका भी सम्मान करें। सम्मान के तो भाई देखो यहाँ पे दीदी और सब लोग भी आ गए हैं। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी और नहीं हुआ पंगा नहीं भाई यहाँ पे बर्थडे मनाया जा रहा है। तो गाइस अब हो गया है यहाँ पे कार्यक्रम पूरा समाप्त। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। तो अभी अब ट्रेन जाने का टाइम हो गया गाइस, तो अब भैया एक राउंड दे भैया एक राउंड। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। ट्रेन का बर्थडे बच्चों का बादशाह स्टेशन पे और अभी यहाँ से रवाना सिवनी की ओर, सिवनी छिंदवाड़ा की वो नैनपुर की ओर। हाँ पंचो जी ने अच्छा यहाँ हमारी माँ बहन बेटियाँ आती हैं, है ना, परिवार आता हमारा, माँ बहन बेटियाँ आती। यहाँ पे वैसे लोग ना हो, ड्रिंकर्स ना हो, आपराधिक तत्व लोग ना हो कि किसी का छीना झपटी करने वाले हो, ऐसे लोग ना होना चाहिए। इसमें हम सबकी सबको योगदान देना है। आप ही यहाँ के सैनिक हो, अलग से नहीं आएगा भर्ती सेना में काम है। हम परसों दिन भी रात में यही बैठे रहे और जो भी आए ना सबको भगाने का काम। एक युवा एक जागरूक नागरिक होने के बाद आप ऐसे लोगों को नॉमिनेट करके रखो, ऐसे आके यहाँ बार बार कर रहे हैं। उनका नाम पता नोट करके रखिए, बेला लोकल पुलिस को सूचना दीजिए, लखनवाड़ा थाना लगता है आपका शायद, है ना, लखनवाड़ा वहाँ सूचना दीजिए। हमें भी बताइए कि ये पांच लोग हैं डेली आके यहाँ पे ये कर रहे हैं, कम से कम आइडिया रहेगा। अलग अलग लोग आते हैं और आपके जो ग्राम सरपंच होंगे यहाँ पे उनको बताइए, कम से कम सबको जो है लेके हम लोग कार्य करें। तो इससे क्या होगा, अकेला व्यक्ति क्योंकि हमारे पास है ही नहीं स्टाफ। मैं एक अपने स्टाफ को ला, हमारे यहाँ तीन स्टाफ दिए, बहुत लिमिटेड है, 80 किलोमीटर है केवलारी तक है। सूचना मिली मेरे को जानकारी नहीं थी, बाल सर आने वाले थे तो आए, तो नहीं बघेल साहब भी तो ये जो सूचना मिली त्वरित हम पांच मिनट की सूचना। 17 तारीख को मैं नागपुर में जाकर ये डीआरएम महोदय को ज्ञापन देके आया हूँ और अभी किस संदर्भ में, इसी संदर्भ में देके आया था कि जो शेड्यूल जो ट्रेन चल रही है इस ट्रेन को भी यहाँ रोकी जाए और रीवा इतवारी भी रोकी जाए, साथ में पंचवली जो छिंदवाड़ा से बनती रात भर खड़ी रहती थी, मैं बोला सिवनी से चलनी चाहिए तो उससे काफी व्यवस्था हो जाएगा। अभी यहाँ पर टिकट एजेंट है उसको यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, तो उसने अभी मेरे को एक क्लिप में दिया है, अपने बयान दिया है कि मैं यहाँ काम करना नहीं चाहता, मुझे पड़ता ही नहीं यहाँ, तो क्या यही पा रहे हैं वो, है ना, यही पा रहे हैं टिकट एजेंट भाई साहब, इधर नहीं करना चाहता तो अब वो काम नहीं करेगा। तो हम चाहते हैं यहाँ पर बड़ी रेल जब रुकने लगेगी तो वैसे ये मातृधाम क्षेत्र पड़ता है और ये गुरुधाम, अभी यही सब कांवड़ यात्री भी गए हैं और ये बहुत बड़ा दार्शनिक स्थल है, इसलिए ये स्टॉपेज बना है, मुझे ऐसा लग रहा है भगवान की कृपा से। नहीं नहीं तो अगर ये पूरा सब दवाई छिड़कवाया तब ये ईरान समाप्त हुआ है। हम मैं करते ही रहता हूँ, ये गर्मी में यहाँ वृक्ष लगाए थे तो अपने आप में खुद पानी लाकर के इन वृक्षों को सींचा हूँ। क्योंकि व्यवस्था ये है कि हमने अगर कोई चीज को जन्म दिया है तो उसका जब तक जीवन पर्यंत जीवन है तब तक करते रहे काम, यही हमारी एक आशा है, करते रहेंगे जब तक है। तो ठीक है, हमें देश हित में हमें कार्य करना है ना, समाज कल्याण में कार्य करना है बस। लेकिन ये चीज है, सबसे पहले यदि कल्याण की भावना वहाँ आएगी जब हमारा बुच्ची जो है, तो वही बात है, मैं सोच रहा यहाँ पे यदि सेफ्टी रहेगी, सेफ्टी रहेगी मेरा उद्देश्य है। मैं अभी 2 महीने हुआ सिवनी में भी, है ना, आउटपोस्ट बना है, तो मैं चाहता कि हमारी जो भी क्षेत्र हो मतलब साफ सुथरा हो, व्यवस्थित हो, माँ बहन सब सुरक्षित हो, है ना। विनोद शाह जी, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ना
आप लोग सब जो युवा वर्ग है ना, और जो है युवा वर्ग सारा सहयोग करो उसमें। यहाँ के सरपंच कौन है? मैं दो तीन बार आया, मुलाकात नहीं हुई मेरी, चाहता सभी का जो है सभी का सहयोग है, जो है आप लोग सब भागीदारी निभाइए बढ़िया से, ठीक है। शुभम भाई काम कर रहा है कि हमेशा की सैलरी देना, और वो प्लेन पर स्टाफ भेजना था, जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर बैठे की सैलरी देना, तो उनको गाड़ी को धावा देंगे। यह गिलास है पड़ी हुई है, सुनो ना, ये वीडियोग्राफी नहीं करो।